ट्रेवल्स फेयर। सो फाइनली गाइस आप लोग देख के पता लग चुका होगा कि हम लोग कहाँ पर है, तो एक पूरा राउंड ओवर एंड मेरे साथ ईशान। तो अभी हम लोग है KTM ठाकुर पुकुर में एंड फिलहाल हम लोग देने वाला है एक बाइक का रिव्यू, तो वो क्या होने वाला है, तो चलिए लेट्स गो। एंड सो दिस इज द बाइक, दिस इज द KTM 200 जिसका मैं रिव्यू देने वाला हूँ, तो लेट्स गो गाइस। तो अभी फिलहाल KTM RC 200 का सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आज ये वीडियो में देने वाला हूँ एंड मेरे साथ है ईशान। तो अभी जो एक्टिव ट्रैकिंग के जो फीचर है जो न्यू आईफोन 13 में है वो कैसा काम किया जरूर से बताओ एंड लेट्स सी। अभी सब इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं एंड उसके बाद तो चलो आप लोग को बताते हैं। तो चलो पहले तो मैं एक बार इस बाइक से जो पुराना वाला जो RC था उसको एक बार कंपेयर कर लेते हैं। तो ईशान एक बार तुम्हें चले आसो, तो आप एक बार बोलो कि आपको जो आप वो वाला चलाते हो, वो वाला जो बाइक है आपका, तो उसमें हॉर्स पावर कितना है, मतलब 23 बेसिकली द स्टॉक हॉर्स पावर इज 23 एंड इसको और इसको मैं अगर डिफरेंस में बताऊंगा अगर रिव्यू के लिए तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे बहुत लोगों को पता है बहुत लोगों को नहीं पता है, जैसे दैट इज BS3 मॉडल, तो BS3 का एक पावर अच्छा खासा आता है, जैसे बहुत लोगों को पता है कि व्हाट इज BS3 यस एंड BS4 में पावर थोड़ा कम हो चुका है तो बस आप एक बार बता दो कि आपका जो सीटिंग जो हाइट है आपका बाइक का, तो वो एकदम तो आपको जैसे कि जो KTM चलाते हैं उन लोग को पता है, जो लोग नहीं चलाते उन लोग के लिए मैं बता दूं, जैसे पुराना जो भी RCs है आपको झुकके नहीं चलाना पड़ेगा एंड नेक्स्ट थिंग इज मैं सब कुछ बोलूंगा आपके ये वाला बारे में, तो जो पूरा जो इसका जो EMI options है एंड कितना आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा इस वीडियो में इसको लेने के लिए, तो वो सब कुछ मैं ये वीडियो में बताऊंगा। तो लेट्स सी। तो द थिंग इज इसका जो एक शोरूम प्राइस है वो है 2,09,000 रुपीज, तो एंड फुल देखे जो एकदम ऑनबोर्ड जब पड़ता है तो वो हो जाता है 2,44,700, तो ये है एकदम एग्जैक्ट जो मैं आपको बताया। तो डाउन पेमेंट अगर सबसे कम आप लोग पकड़ते हैं तो वो है 49,800, वो एक ऑप्शन है, तो उसका जो EMI ऑप्शन है वो है 4,771, ये अगर 4,000 आप देते हो तो उसके साथ 60 मंथ तक आपको देना पड़ेगा, तो ये वाला जो EMI है वो प्लान है। एंड और एक प्लान है जो आप लोग ले सकते हो, जो आप लोग अगर डाउन पेमेंट और काम करना चाहते हो तो वो भी एक स्कीम है यहाँ पर, तो वो है 33,300, वो अगर डाउन करते हो तो EMI आपका थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, वो है 5,100 ऐसा कुछ, तो वो भी 60 मंथ्स का ही ऑप्शन है, मतलब 5 ईयर्स। तो आप अगर ये लेने के लिए सोच रहे हो तो सच में यार ये वाला मस्त ऑफर है, तो ये ले सकते हो आप ये वाला ऑफर में एंड सच में ये EMI 5,000 में आपको अगर आपके 2.5 लाख का बाइक मिल जाए तो क्या प्रॉब्लम है। तो इसका जो वेट है वो भी बहुत कम कर दिया है, तो पिछले वाला जो एडिशन है वो उसके से एंड तो चलो वेट कम हुआ है, देखो आप ये वाला पार्ट देख लो, तो ये वाला पार्ट से कम हुआ है एंड ये वाला जो सस्पेंशन है वो भी नया दिया है, तो WP सस्पेंशन जो सेटअप है वो ज़्यादा अच्छा है एंड इसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है अगर ख़राब हुआ तो। एंड इसका जो टैंक साइज है वो 13.5 एंड तो इसका टैंक कैपेसिटी जो है वो है 13.5 लीटर्स एंड कंपेयर टू दैट वन वो है मतलब 9.5, तो आप लोग एक डिस्टेंस मतलब डिफरेंस जो है वो आप लोग देख सकते हो। एंड जो नेक्स्ट थिंग है वो आप लोग को एक मीटर दिखा देता हूँ मैं एक बार, तो एक बार मैं मीटर देख लो आप लोग, यस तो मतलब ब्यूटीफुल से TFT डिस्प्ले है यहाँ पर एंड यहाँ पे आप लोग को जो RPM मीटर है वो दिखेगा, फ्यूल गॉज दिखेगा एंड किल स्विच का जो इन्फॉर्मेशन है वो भी दिखाया है बिकॉज यहाँ पर किल स्विच का ऑप्शन है एंड नाउ आपको गियर इंडिकेटर भी मिलेगा एंड बहुत लोग मतलब सेटिंग्स करके आप यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हो। गाइस वन थिंग, इसका एक बार इंडिकेटर आप लोग चेक कर लो, मतलब इसका जो पोजिशन है वो चेंज हुआ है, तो सच में यार ये वाला मस्त लग रहा है एंड ये वाला भी दिखा दो या एंड एक बार इसको ऑन मत करके बताओ, लाइट के एक बार ऑन करके दिखा दो, यस तो इसका जो आउटपुट है वो भी एकदम रात में एक बार टेस्ट करेंगे जब ये वाला राइड रिव्यू लेंगे हम लोग, तो सच में यार बाकी जो बाइक है कंप्लीट एकदम मस्त है एंड इसका जो सीट है वो बहुत डिफाइन कर दिया है जो पीछे वाला पहला वाला जो एडिशन था उससे उसमें से एंड वो आप देख सकते हो, किसी लोग को पसंद होगा एंड किसी लोग को नहीं भी होगा एंड जो टेल आइडिया है वो है लाइक दिस
तो गाइस बट यही था ये वाला वीडियो में। अगर ये वाला छोटा मोटा जो वीडियो मैं बनाया तो वो अच्छा लगा तो जल्दी से जल्दी लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड नीचे इंस्टाग्राम आईडी आ रहा है तो उसमें जाके फॉलो करो, बिकॉज जो जितना भी अच्छा पिक्चर्स मैं खींचता हूँ, जितना भी पुष्पक जो अच्छा अच्छा पिक्चर्स मुझे खींच के देता है तो वो सब मैं इंस्टाग्राम में डालता हूँ। तो हिट लाइक एंड डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नया ब्लॉग के साथ। टिल देन राइड इट एंड लाइक इट। बाय। Oh, 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 oh